हेलो फ्रेंड, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 4 है डॉक्टर एस सी मेहरोत्रा के बुक से। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला वीडियो मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा बिल्कुल स्थिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सूचनाओं से मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। तो आपने 1, 2, 3 में वार्षिक मूल्य कैसे निकालते हैं वो आप पढ़ चुके हैं, और फिर भी मैं आपके लिए सॉल्यूशन करके दे रहा हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एम भी है 4 लैक्स और ये एफ आर है 3,60,000 और ये एस आर दिया हुआ है 4,50,000। ए आर वास्तविक किराया 50,000 पर मंथ। और नीचे कहता है क्वेश्चन में कि मकान जो है ना 2 माह खाली रहा है, तो इसको आप 10 से गुना कर लीजिए, ये हो गया 5 लैक्स। और एक चीज और लिखा हुआ है कि अप्राप्त किराया 50,000 है, तो आप यहाँ 50 माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4,50,000। और यह भी लिखा हुआ है नियम 4 की शर्तें पूरी होती है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखेंगे, उस वीडियो में हमने थ्योरी के बारे में बताया हुआ है नियम 4 क्या होता है। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ, यह जो नियम 4 है ना, नियम 4 जो है रूम ओनर के लिए लागू होता है कि यदि आप रूम ओनर है, मकान मालिक हैं, तो जो किराया आपको प्राप्त नहीं हुआ है ना, आपने जो है उस बकाए किराए के लिए सभी प्रकार से आपने प्रयास किया है, फिर भी आपको वह किराया प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में यदि इनकम टैक्स ऑफिसर जो है ना आपकी बातों से संतुष्ट हो जाता है कि हाँ सही में आपको किराया प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उस अप्राप्त किराए की छूट आपको मिलती है। आइए हम निकालते हैं ईआर निकालते हैं। रूल कहता है एम भी एफ आर में से बड़ा परंतु एस आर से अधिक ना हो, तो बड़ा कौन सा है 4 लैक्स है, तो ये 4 लैक्स क्या हो गया आपका ईआर हो गया। आगे कहता है एआर तथा ईआर में से जो बड़ा होगा वही जीएबी कहलाएगा, जीएबी तो ये है 4 और ये है 450, तो ये बड़ा है 4,50,000, ये आपका जीएबी हो गया। आगे आपको निकालना है एनुअल वैल्यू, तो आप यहां पर हेडलाइन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ, नाम दिया हुआ है, नाम नहीं है, डेट यहां लिखते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18, यहां पार्टिकुलर्स अमाउंट जीएबी लिखते हैं, जीएबी में 4,50,000। आगे लिखा हुआ है नगर पालिका अगर 25,000, मकान मालिक ने 25,000, किराएदार ने भुगतान किया है, तो इसके बारे में जो है हमने आपको पहले वीडियो में थ्योरी समझाया हुआ था। नगर पालिका कर माइनस कब करते हैं, जब मकान मालिक नगर पालिका कर का जो है भुगतान करता है ना, तभी हम क्या करते हैं नगर पालिका कर का जेबी में नगर पालिका कर को माइनस करते हैं। यदि किराएदार ने या किसी अन्य पर्सन ने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया है, तो उसको हम जीएबी में माइनस नहीं करते हैं। यहां पर है नगर पालिका अगर 25,000 मालिक ने चुकाया है, तो सिर्फ 25,000 ही माइनस होगा, जो आएगा वो आपका एनुअल वैल्यू कहलाएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको हमारा हर नया वीडियो मिलता रहे, और अपने दोस्तों को जो है आप मोटिवेट भी करेंगे यदि आपको समझ में आया हो तो। और यदि किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, धन्यवाद।